पिछले लगभग चार दिनों से लुनियापुरा कब्रिस्तान पर विवाद चल रहा है, जिसमें एक धर्मगुरु की मजार बनाने पर कब्रिस्तान कमेटी ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री सहित पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि हमारे पुरखों की कब्रों को खोद कर वहाँ पर बड़ा चबूतरा बनाया जा रहा है। इसी विवाद के चलते आज वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष डॉक्टर शकील राज लुनियापुरा कब्रिस्तान जांच करने पहुंचे। डॉक्टर शकील राज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैंने 4x6 की इजाजत दी थी ताकि धर्मगुरु के मजार की बेअदबी ना हो, परंतु इन्होंने साइज बढ़ा कर निर्माण कर लिया जो कि गलत है। हम इस निर्माण को हटाने के लिए कार्यवाही करेंगे। वहीं धर्मगुरु के पक्ष में उनके समर्थकों से बात करना, उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कब्रिस्तान कमेटी ने बताया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है, ये निर्माण गलत हो रहा है। वहीं धर्मगुरु के समर्थकों से चबूतरे के पास अवैध रूप से 3-4 कब्रें भी गलत तरीके से रातों रात बना दी ताकि आज जनता में संदेश जाए कि हमने कब्रों को नहीं हटाया है। कमेटी ने कोई परमिशन नहीं दी किसी भी तरह की, चाहे न मौखिक दिए न लिखित में दिए। अगर इनके कहने कोई मौखिक या लिखित में कमेटी की परमिशन हो तो ये लाके उसको दिखाएं, मीडिया को बताएं। तो ये बता रहा है ना कि हमने परमिशन जिला अध्यक्ष शकील राज जी ने दी थी, कमेटी ने कोई परमिशन नहीं दी है। कमेटी ने शुरू से इनके खिलाफ पुलिस, कलेक्टर, आईजी, एसपी, नगर निगम जहाँ जहाँ कार्रवाई होती थी, कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है, पहले भी करती थी और आज भी कर रही है। कल भी एडीएम साहब से मिले थे, उनको जब बताया तो उन्होंने मौके पे तहसीलदार मैडम को भेजा है, वो एक दो दिन में आके सर्वे करेंगे और बताएंगे इसका रिपोर्ट उनको। क्या नाम है? यूसुफ अंसारी। शिकायतें मिली थी यहाँ से कि यहाँ कुछ अवैध निर्माण हो रहा है कब्रिस्तान के अंदर, जो नूरी बाबा साहब उन्हें कब्र के ऊपर कुछ अवैध निर्माण किया जा रहा, तो उसकी जांच के लिए मैं यहाँ आया था। जांच में आने का जब मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपसी मतभेद हो रहा है कमेटी और नूरी बाबा के लोगों के अंदर, तो वही हम लोग आपस में बैठ के आज इसको हल करने की कोशिश करेंगे कि ना कि विवाद बाहर जाए, जो है यहीं के विवाद खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपने परमिशन उसकी दी थी और अभी बन के कितने साइज में रहा है? देखिए, परमिशन जो दी गई थी वो 4x6 की दी गई थी, जो कि नूरी बाबा के कब्र को कोई भी वहाँ पर बद इंतजामी ना हो या कोई भी पाँव रख के चढ़े ना, क्योंकि वो एक सामान्य शख्स थे हमारे जो कौम के। यही तो जानना है कि परमिशन कैसे दिया और कहाँ से किसने कब काम दिया इन्हें परमिशन दिया है। तो आपने कोई परमिशन दी? मैंने 4x6 की परमिशन दी थी ओटलेनुमा की, कि जिससे 4x6 के ओटलेनुमा की परमिशन दी थी कि जिससे बाबा की कब्र की बेअदबी ना हो, ये परमिशन मेरे द्वारा दी गई थी। परंतु अब यहाँ के देखने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, वो देखने के बाद जांचने के बाद किसी भी हल पर पहुँच पाएंगे। आपका नाम? शकील राज, जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, इंदौर।